दूध की चाय। चाय बिना दूध की ले तो बेहतर है। हमारे साइंटिस्टों ने पाया है कि चाय में थियाफ्लेविस और थियारूबिगिंस तत्व होते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं, लेकिन दूध चाय के उन गुणों को भी ख़त्म कर देता है। वाइट ब्रेड ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद है ना आपको, वह भी मस्का लगाकर। बोस्टन की ट्विस्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों का कहना है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो या चावल, वजन बढ़ता है, खासतौर पर कमर पर चर्बी चढ़ाते हैं। नाश्ते में मीठे से परहेज करें। आजकल बहुत से फ्लैक्स के पैकेट्स आ रहे हैं जिसमें मीठा होता है। आप सोचते हैं कि मीठा कहाँ है, ऐसी मीठी चीज़ें खाने से भूख लगती है। इसकी वजह अंडा, दलिया या नमकीन खाएं तो भूख देर से लगेगी। यह हम नहीं, यह अमेरिकी स्टडी का कहना है। आजकल बाज़ार में खाने पीने के सामान की सॉस से लेकर न जाने किस किस चीज़ों की खूबसूरत पैकिंग वाली शीशियां आ रही हैं, उनकी लेबल हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं। लेबल पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है। आप व्यायाम भले ही थोड़ा करें लेकिन लेबल पढ़ना ना भूलें। 32 बार चबाएं। दादी माँ कहती थी कि खाना चबा चबा कर खाओ, 32 बार चबा कर खाओ, वही सही है। खाओ उतना ही जीभ के जरिए दिमाग को संदेश जाता रहेगा, वह पाचक रस ज़्यादा दे और खाना जल्दी पचेगा। फ्रूट जूस नहीं फल। डॉक्टर और डाइटिशियन कहते हैं फल खाएं, फ्रूट जूस पी लेते हैं। दरअसल यह वजन बढ़ाने का नुस्खा है, और अगर बाज़ार के पैकेट्स फ्रूट जूस है तो उसमें जितना मीठा होता है वह खाने से ज़्यादा वजन बढ़ाता है। अमेरिका जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार आप केवल फ्रूट जूस की जगह फल खाकर अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। नींद पूरी करें। संतुलित आहार व व्यायाम के साथ पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। नींद पूरी ना होने पर तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे पेट की चर्बी भी बढ़ती है। रात में 6 से 7 घंटे सोने वाले लोगों में पेट का मोटापा कम होता है। इससे ज़्यादा या कम नींद लेने वाले लोगों को तोंद की समस्या अधिक होती है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलना।